ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه غلاله وكل غلاله في النار. कल नबील वसलम अल्मिन मतलमिन हाजरी निगरामी हर तरीके की हमदना अजमतों की बरियाई और बड़ाई का मुस्क और सजावार दात है जो सारी कायनत कातने तनहा ख़ाल मुरबी और पालनहार है बाद बेशुमार दरोद के तमाम अम्बिया व रसूल आलमसला तस्लीम पर खूस अल्लाह के आखिरी नबी ताजदार मदनी अहमद मुशतबा महमदुर रसोल पर, जिन्हें रब कायनत ने अहल कायनत के लिए बशर नदीर हादी व रहनुमा अगुआ और पेशवा बना करके भेजा अलहमसल बारिक वसलम हजरी नगरी नबी कायन जनाब महमदुर रसोल्ला सल्ला वसम की एक हदीस आपके सामने पढ़ी गई है उसी हदीस की रोशनी में चंद बातें इन शहजीज़ आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा अल्लाह से दुआ है कि ताला हमें सही और हक़ बात कहने की आप सभी हजरात को बग़ौर सुनने की और हम सबको मिलकर अमल करने की तोफ़ी आता फरमाए आमिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "अल-मोहम्मिनु मर आतमिन मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आइना और शीशा हुआ करता है माना यह है कि जिस तरह से एक आदमी और शीशे का बड़ा गहरा रब और बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है इसी तरह से एक मोमिन और दूसरे मोमिन के लिए तवासल तराहम शफ़त व रहम रहमो करम महबत उल्फत ये मोमिनों के दरमियान होनी चाहिए इख्तिसार के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अगर एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है तो आईने का काम क्या है हम आपके लिए आयना हैं तो आईने का काम हमें करना होगा आपके लिए आप हमारे लिए आयन हैं तो आपको हमारे लिए वही काम करना होगा जो आयी हमारे लिए करता है बड़ी मुख्तर सी लफ्ज़ के एतबार से रिवायत है कलमे के एतबार से लेकिन माने के अतबार से बड़ी वसी और बहुत ही कुशादा रिवायत है बहुत सारे मानी को अपने अंदर पिरोए हुए है इनशाला लजीज़ कोशिश करूँगा जिस क़दर अल्लाह अल्लाब ने आ, इल्म दिया है उसकी रोशनी में आपके सामने इनशा लजीज़ बातें रखने की कोशिश करूँगा हम जान लेते हैं आईने की खसूसियात क्या हैं इसलिए वही खसूसियात हम जब आईना हैं तो हमारे अंदर होनी चाहिए और अगर नहीं है तो हमें पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए आईना जिसमें हम अपनी हयात अपनी शक्लो सूरत और अपनी बहुत सारी जिस्मानी और वज़ाक़त के ताल्लुक से देखना चाहते हैं वो आइना साफ शफाफ होता है आइना बड़ा साफ शफाफ होता है अगर आइना साफ नहीं है आप उस आईने को जब सामने रखेंगे जो गर्द गुबार आईने पर है वो गर्द वबार आपके चेहरे पर नज़र आएगा इसलिए हम और आप जब आईना देखना चाहते हैं सबसे पहले उस आईने को चाहे कपड़े से या हाथ से साफ़ करते हैं ताकि ये आईना हमारे चेहरे को उसी तरह से दिखाए जिस तरह से हमारा चेहरा मौजूद है वरना वो आईना हमारे चेहरे को कुछ और बना करके दिखाएगा मुझे याद आता है एक वाकया एक लड़की जो अपने घर में रहते हुए रोज़ाना अपने जंगले के उस शीशे से जो लगा हुआ था वहाँ बगल वाले आदमी के घर में झांका करती थी उसका घर ऐबदार लगता था उसका लिबास मैल और कुचैल से आटा हुआ लगता था जो गर्जे की जितनी सारी चीज़ें उसे शीशे से बाहर नजर आती थी सब गंदी नज़र आती थी एक दिन लड़की ने अपनी अम्मी जान से कहा अम्मी जान हमारा पड़ोसी कितना गंदा है उसका घर भी गंदा है उसके जो कपड़े धुल करके लटकाए जाते हैं वो भी सब दागदार हैं गर्जे की जितनी चीजें दिखाई देती हैं सब दागदार हैं अम्मी ने कुछ नहीं कहा दूसरे दिन अम्मी ने क्या किया सुबह उठने के बाद अपने उस जंगले के आईने और शीशे को जिससे वो लड़की बाहर देखा करती थी पानी लगा करके कपड़े से साफ किया जब साफ किया ये बेटी उठी उठने के बाद रोज़ाना के मामूल के मुताबिक जब उसे जंगले के शीशे से बाहर देखा पड़ोसी का घर खूबसूरत नज़र आया पड़ोसी का फैलाया हुआ कपड़ा चिकना और साफ सुथरा नजर आया पड़ोसी की सारी चीजें अच्छी लगी आई अम्मी के पास का अम्मी जान हमारे पड़ोस वाले तो बहुत ठीक ठाक हो गए अम्मी ने कहा बेटा वो ठीक पहले थे हम ही ठीक नहीं थे हमारा ये जो शीशा लगा हुआ है ये गंदा था और जब तक गंदगी लगी हुई थी वो गंदगी उसी पर नजर आती थी जिसको हम इस शीशे से और आईने से देखा करते थे यही तो बात है जब सोमामा बिन व बाद में रजी अल्लाह तआला तैन लगाया जाने लगा जब पकड़ करके लाए गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मस्जिद नबवी के खंभे में बांधे गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन दिन आए और तीनों दिन आपने एक ही जुमला कहा माँ बालो का या सोमामा माँ बालो का या सोमामा अरे समामा तेरी हालत क्या है तो कैसे है सोमामा तो ने भी वही जवाब तीनों दिन दिया इन तख्तुल तख्तुल दादमिन व इन तुन इम तुन इमला शाकरिन कि अगर आप मुझे कत्ल करना चाहें तो मैं एक कातिल हूँ मुझे कत्ल करने में आप हक में जानबोगे अगर आप मुझ पर इनाम करना चाहें मुझे छोड़ना चाहें तो मुझे बहुत बड़ा शुक्रगुजार पाएंगे और अगर मुझे छोड़ने के बदले में आप मान लेना चाहें जिस कदर माल का मुतालबा करें मैं माल देने के लिए तैयार हूँ यही जवाब सुमामा ने पहले दिन भी दिया यही जवाब दूसरे दिन दिया यही जवाब तीसरे दिन दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे दिन साहबा को कहा इसे छोड़ दो छोड़ दिया गया सो मामा गए करीब के किसी गड्ढे में नहाया गौसल किया वापस आए और रशद वाशदन्ना महमदर रसोल्ला का कलमा पढ़ा और दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए ये वाक़ा असल बताना नहीं चाहता हूँ इस्लाम में दाखिल होने के बाद जो बात उन्होंने कही वो बात असल बताना चाहता हूँ स तो मामा ने कहा अल्लाह के नबी वसम आज से पहले आपका चेहरा मेरी निगाह में सबसे ज़्यादा बदशक्ल था आपका शहर शहर मदीना सबसे बुरा शहर था आपका दीन दिन इस्लाम सारे अधियान से बुरा था लेकिन अब आप, आपका चेहरा दुनिया के तमाम चेहरों से खूबसूरत मुझे नज़र आता है आपका दिन सारे अधियन से बेहतरीन नज़र आता है आपका शहर शहर मदीना तमाम शहरों से खूबसूरत मुझे नज़र आता है माजरा क्या था थोड़ी देर के अंदर दुनिया बदल गई नक्शा बदल गया जो थोड़ी देर पहले बुरा था वो अब अच्छा हो गया कैसे ऐसे ही जैसे पड़ोसी का घर थोड़ी देर पहले बुरा लगता था पड़ोसी का सारा सामान बेकार लगता था और थोड़ी ही देर के बाद सारी चीज़ें लड़की को अच्छी नजर आने लगी। सुमामा तो बिन उसाल का भी मसाला ही था जब दिल का आईना दिल के आईने पर गर्द गुबार था दिल के शीशे पर जब शिरक और आकुफ्र और बुतपरस्ती का गर्दो था और अजियतों से पुर था सारी गंदगियां लगी हुई थी उस गंदगी वाले आईने में जब मोहम्मद वसल्लम का चेहरा आपका दिन आपका शहर देखे तो वो गंदगी जो लगी हुई थी दिल के आईने में जिसको उसमें देखना चाहते थे उस पर वो गंदगी नजर आती थी मेरे भाइयों इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद वसल्लम ने एक मोमिन को जब मोमिन के लिए आईना करार दिया है हम आपके लिए आईना आप हमारे लिए आईना तो जैसे आईना साफ़ सुथरा होता है साफ और शफाफ होता है ऐसे हमारा दिल और हमारे दिल का आईना दूसरे मोमिन के लिए साफ होना चाहिए चिकना होना चाहिए गर्द गुबार नहीं होना चाहिए अगर गर्द व हमारे दिल के आईने में है हमारा दिल साफ सुथरा नहीं है तो ये गंदगी हमें अपनी गंदगी नजर नहीं आएगी बल्कि इस आईने में जिसका चेहरा जिसका अखलाक जिसका वजाक़त जिसकी दीनदारी हम देखना चाहेंगे ये आए उस पर नजर आएगा और सामने वाला आदमी हमें बुरा लगेगा इसलिए मेरे भाइयों जब आप आईना है हमारे लिए मैं आईना हूं आपके लिए हमें अपने दिल का आईना साफ करना चाहिए आपको अपने दिल का आईना साफ करना चाहिए और दिल के आईने को साफ करने के बाद सामने वाले को देखना चाहिए नबी कायनात जनाब मोहम्मद सल से पूछा गया अल्लाह के नबी सल आप बताइए मोमिनों में अफजल कौन है बेहतरीन आदमी कौन है नबी कायनात जनाब मोहम्मद सल्ला ने इस सवाल के जवाब में क्या फरमाया था आपने फरमाया था जो मखमूमुल कल्ब हो सदूकुल लिसान हो मखमूमुल कल्ब और सदूकुल लिसान हो वो अफजल तरीन मोमिन है वो बेहतरीन मोमिन है जिसका दिल मखमूम हो जिसकी जुबान सच्ची हो ये सुना साहब कराम ने सवाल करने वालों ने कि मखमूमुल कल्ब हो सदूकुल लिसान हो साबा ने कहा अल्लाह के नबी लिसान तो हमने समझा जुबान का सच्चा हो यह हमने जान लिया लेकिन दिल का मखमूम हो कलब हो क्या मतलब है इसका तो अल्लाह के नबी जनाब अलैहि वसल्लम ने फरमाया था दिल का मखमूम होने का मतलब यह है कि दिल एक मोमिन का ऐसा हो लाइफ माफी है वला बगिया वला हसदा वला गिल्ला अल्लाह के नबी वम ने फरमाया मखमूमुल़ल्ब का मतलब यह है दिल के अंदर गुनाह का इरादा न हो दिल के अंदर की ना व कपड़ ना हो दिल के अंदर झ्यादती की बात न हो दिल के अंदर हसद ना हो दिल के अंदर की ना व कपड़ ना हो दिल के अंदर ख़ैनत की बात ना हो दूसरों के लिए तो ऐसा दिल मखमूमुलल्ब है ऐसा दिल साफ सुथरा है ऐसे ही दिल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर कहा है इल्ला मन सलीम आखिरत के मैदान में वो कामयाब होने वाला है जो कल्ब सलीम लेकर के आए ऐसा दिल लेकर के आए जिसका दिल साफ सुथरा हो गंदगी से सही सालिम हो बुराइयों से पाको साफ हो साफ सुथरा एकदम हो ऐसे ही दिल लेकर के आने वाला आखिरत के मैदान में कामयाब होगा इसलिए मेरे भाइयों अगर हम आपके लिए आईना है आप हमारे लिए आईना है तो हमारी जिम्मेदारी है हम अपने दिल को आपके लिए साफ रखें आप हमारे लिए अपने दिल को साफ रखें तब नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसोल हदीस हमारे ऊपर सादिक आएगी तब अल्लाह के नबी का यह फरमान इस तौर पर हमारे ऊपर सादिक आएगा कि हम अपने मोमिन भाई के लिए आईना है यह पहली बात कि हमारा दिल दूसरों के लिए साफ सुथरा चिकना होना चाहिए किसी तरह की गंदगी गर्दो गुबार और बातें नहीं होनी चाहिए आईने की खसूसियात में से एक दूसरी खसूसियत यह है कि आईना पूछने पर बताता है आपके चेहरे पर गर्दो गुबार लगा है आईना ताक पे रखा हुआ है आप जब उससे पूछेंगे तब तो बताएगा पूछने का क्या मतलब है यानी आईना उठा के लाएंगे अपने सामने रखेंगे तब तो बताएगा कि आपका बाल टेढ़ा है आपकी नाक टेढ़ी है आपकी आंख में गर्दो गुब्बार है या और चीज लगी हुई है आइना कब बताएगा जब आप उसे पूछेंगे उसे सवाल करेंगे अपने चेहरे के ताल्लुक से अपने सर के बाल के ताल्लुक से अपने नाजो नखरे के ताल्लुक से अपने लिबास के ताल्लुक से जब आईने से आप पूछेंगे यानी आईने को सामने रखेंगे तब आईना बताएगा वरना आईना ताक पे रखा है आप चाहें कि आईना आपके चेहरे के गर्दो गुबार को बताए आपके बाल के टेढ़ेपन को बताए नहीं हो सकता है वो वहीं पड़ा रहेगा क्या मतलब हुआ अगर हम आपके लिए आईना है आप हमारे लिए आईना है तो हमारी जिम्मेदारी है कि जब आप हमारे लिए आईना है हम अपने बारे में आपसे पूछें आप के लिए मैं आईना हूं तो आप हमसे अपने बारे में पूछिए मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे साथी मेरे अंदर कोई गलती तो नहीं पाई जा रही है मेरे अंदर कोई ऐब तो नहीं पाया जा रहा है दानिश्ता या ना दानिश्ता मुझसे कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है आप अगर आईना समझते हैं अपने मोमिन भाई को तो अपने ताल्लुक से आप सवाल कीजिए और सवाल करने के बाद जब जवाब मिले जैसे शीशे से आपने जब पूछा था शीशे ने बताया कि आपके नाक पे कालक लगी हुई है या काजल लगा हुआ है जैसी आईने ने आपको बताया कि काजल और कालक लगा हुआ है आपने फौरन हाथ से या कपड़े से साफ करना शुरू किया आईने पे नाराज नहीं हुए आप आईने पे गुस्सा नहीं हुए आईने को आपने पटका नहीं आईने को आपने बुरा भला नहीं कहा बल्कि अपनी असलाह फौरन करना आपने शुरू किया सिलसिले में मैं आपको बताऊं उम्र फारूक रद्ल मकाम क्या है हम सब जानते हैं उम्र फारूक रद्ल तला की वो हैसियत है कि जिनकी जुबान पे रब के अहकाम जारी हुआ करते थे जिनकी जुबान से निकलने वाली बात की तइद रब कायनात करता था हजरत उम्र फारूक रजिल्ल तहो का खुद कलाम मौजूद है सही बुखारी के अंदर क्यों फरमाते हैं कि अल्लाह रब्लम ने मेरी तइद की तीन बातों में या मैंने अल्लाह रबालमीन की तइद की तीन बातों में यहां तो सिर्फ तीन बातों का जिक्र है और बहुत सारी हदीस की किताबें आप तलाश करके देखेंगे आपको तेरह बातें मिल जाएंगी उम्र फारूक रजिल्लो ने एक बात कही राय दिया मशवरा दिया नबी कायनात जनाब मोहम्मद वसल्लम को रब्बे कायनात की जानिब से उम्र फारूक रजिल्लो के उस राय और मशवरे के ताल्लुक से तायदी कलिमात नाजिल हो गई तायदी कलिमात नाजिल हो गई एक मिसाल में आपको खाली देता हूँ इसलिए कि और बहुत सारी बातें हमें बतानी है उम्र फारूक रजील् तला ने अल्लाह के नबी वसलम से फरमाया कि आपके पास अच्छे और बुरे हर किस्म के लोग आते हैं इसलिए मेरी राय यह है कि आप असवाज मुताहिरात को परदे का हुक्म दीजिए इधर उमर फारूक परदे से मशवरा दिया, और दिया। अल्लाह की से पर्दे के नाजिल हो गए और पर्दे वाली आयत नाजिल हो गई कई बातें हैं लेकिन इससे आप समझिए एक और हदीस आपको सुना दो उम्र फारूक की शख्सियत वो है जिनके बारे में अल्लाह के नबी वम ने फरमाया था लौकाना नबी उमर अगर मेरे बाद नबुवत का सिलसिला जारी रहता तो उम्र फारूक नबी बनाए जाते उम्र फारूक नबी बनाए जाते इतनी अजीम शख्सियत है इतना ऊंचा मकाम है यही नहीं बल्कि अशरे मुदश्रा में से एक है नबी कायना जनाब मोहम्मद सल असलम की जुबान मुबारक से जन्नत की बशारत है कि खबर खुद उम्र फारूक ने अपनी कान से सुनी है कि अल्लाह के नबी सल वसलम ने है, कहा है उमर फिर जन्ना उमर जन्नती हैं इतना सुनने के बावजूद भी यही उम्र फारूक हैं हज़ा इबियमान रजील नो जिन्हें साहेबो सर रसूल कहा जाता है रसूल का राज जानने वाले सहाबी मुनाफिकीन के बारे में या तो मोहम्मद रसोल्हलम को मालूम था या हजेफा इबन रजील नो को मालूम था कि मुनाफिक मदीना में कौन कौन है नाम के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इबन को मालूम था इसीलिए साहेबों से रसूलुल्लाह कहा जाता था उमर फारूक हो जन्नती होने के बावजूद उमर फारूक रदिल्लु ताला के बारे में यह जुमला आने के बावजूद कि लो काना नबी लकाना उमर इस जुमला के आने के बावजूद उम्र फ़ारूक़ रजील् तहो एक दिन होजैफ़ा बिनान रजिला के पास पहुँच गए मकसद क्या था कहा मेरे भाई होजैफ़ा तुम्हारे पास जो लिस्ट है मुनाफिकीन की आप बता दो मेरा नाम उसमें है कि नहीं है मेरा नाम उसमें है कि नहीं है

वो मुनाफिकीन की फिरिस्त में मेरा नाम है या नहीं है वो डरा हुआ है सहमा हुआ है, हैरान और परेशान है कि मुझे पता चल जाए रजी तला ने कहा यह राज है रसूलुल्लाह का और यह राज में किसी पर इफ्शा नहीं कर सकता ये राज में किसी को बता नहीं सकता बताना चाहता हूं आईने की खसूसियत क्या है आप पूछेंगे तब बताएगा आप चेहरे के लिए पूछते हैं आईने से आप अपने अमल के लिए अपने मोमिन भाई को आईना बना के अपने मोमिन भाई से अपने ऐब को जानने की कोशिश कीजिए अपने ऐब को जानने की कोशिश कीजिए इसलिए कि बहुत सारी खामियां हमारे और आप के अंदर ऐसी होती हैं खामियों वाला जान नहीं पाता अपनी खामी को और उस खामी का इल्म और जानकारी दूसरे को होती है जैसे चेहरे पर लगी हुई कालक हमें पता नहीं है इसलिए कि हम अपना चेहरा देख नहीं पा रहे हैं और जब आईना सामने आएगा आईना हमें बताता है तो हम जान लेते हैं और आईने को इसीलिए सामने रखते हैं कि उससे अपने चेहरे के बारे में पूछें मेरे भाइयों अगर हम भी इस हदीस को नबी कायना जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होने का यकीन रखते हैं हमारी भी जिम्मेदारी है उम्र फारूक के नक्शे कदम पे चलते हुए हम भी अपने ताल्लु से अपने भाइयों से सवाल करें अपने भाइयों को अपने लिए आईना बनाएं अपने भाइयों से अपने अयुब के बारे में आज जानकारी हासिल करें ताकि अपनी इसलाह का हमें मौका मिले इसलिए कि आय का इल्म हुए बगैर हम इस्लाह की कोशिश नहीं कर सकते और यह ऐप बरकरार रहेगा और ऐसा भी हो सकता है यह बढ़ता जाए फैलता जाए और हमें उसका इल्म ना हो तो यह आईने की दूसरी खसूसियत है कि आईना पोछने पर बताता एक तीसरी खसूसियत आईने की आईना जब आप सामने रखते हैं आपके चेहरे पर अगर कालक लगी हुई है उससे पोछ रहे हैं आईना सिर्फ आपको बताता है आईना सिर्फ आपको बताता है किसी और को जाके नहीं बताता आईना आपको बताता है और आपको बताने के बाद वो खामोश हो जाता है दूसरे को नहीं बताता इसलिए हम अगर अपने भाई के लिए आईना बने अपने भाई के अंदर कोई ऐब देखें सिर्फ अपने भाई को बताएं किसी और को जाके नहीं बताएं इसलिए कि अल्लाह के नबी ने हमें आईना कहा है और आईना दूसरे को नहीं बताता आईने से जो पूछता है पूछने वाले के को आईना बता के चुप हो जाता है गैर को जाके नहीं बताता इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर हम वाकई मानों में नबी की सदीश की रोशनी में आईना बना रहे हैं और आईना अपने आप को दूसरों के लिए साबित कर रहे हैं तो हमें किसी के अंदर ऐब देखने के बाद सिर्फ उसी को जाके बताना चाहिए किसी और से बताना नहीं चाहिए जिसके अंदर ऐब है अगर हमने सिर्फ उसको जाके बताया मेरे भाई आपके अंदर यह ऐब है इसलाह सामने वाला करे या ना करे उसका अपना काम है लेकिन हमें उसका ऐब इस्लाह की नीयत से बताने की वजह से हमें नेकी मिलेगी हमें नेकी मिलेगी इसलिए कि हमने अपने भाई की खैर खाही की है उसको समाज और माशरे में रुसवा होने से बचाने के लिए हमने कदम आगे बढ़ाया है और उसके आयब को और उसकी खामी को जा करके बता करके उसे समाज में रुसवा होने से बचाने की कोशिश की है, है। वो बचता है या नहीं उसका अपना मसाला है लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी थी हमने वो जिम्मेदारी इखलास के साथ निभा दिया है इसलिए इनशा हमारे खाते में और नाम आमाल में नेकी और नवाब लिखा जाएगा लेकिन अगर आपने इसके खिलाफ काम किया इसके खिलाफ काम किया और यकीनन इसके खिलाफ ही हम काम करते हैं अगर आप आई ना है हमारे लिए हमारे अंदर आपने ऐब देखा मुझे बताने के बजाय मौलाना से जाके बताने लगे मुझे बताने के बजाय गैर को जाकर के बताने लगे गैर को बताने से हमारी इसलाह नहीं हो सकती गैर को बताने से आप हमारे खैर खा और दोस्त नहीं हो सकते गैर को बताने से आपके नाम आमाल में नेकी नहीं लिखी जाएगी बल्कि गैर को बताने से आपके नाम आमाल में गुनाह लिखा जाएगा क्यों इसलिए कि को ऐब अगर आप बताएंगे को हमारा ऐब बताना ये गीबत कहलाता है ये गीबत कहलाता है नबी कायना जनाब मोहम्मद से जब गीबत की तारीफ के ताल्लुक से सवाल हुआ और जवाब सामने आया तो क्या जवाब था जिक्र का आका का बीमा तुम्हारा अपने भाई का तजकरा ऐसे अलकाब के साथ ऐसे जुमले के साथ ऐसी बात के साथ अपने भाई का तजकरा करना कि अगर आपका भाई सुने तो उसे ना पसंद लगे और बुरा लगे यही गीबत है साहबा ने फरमाया अल्लाह के नबी अगर यह ऐब उसके अंदर पाया जाता हो तो ये खामी और यह गुनाह उसके अंदर पाई जा रही हो तो आपने फरमाया अगर ये ऐब उसके अंदर पाया जा रहा है जो तुम उसके पीठ पीछे बयान कर रहे हो लोगों को आगाह कर रहे हो तो यही तो गीबत है अगर उसके अंदर ये ऐब नहीं है फकत बहत तो तुमने उस पर इल्जाम लगाया और बहुतान तराशी की गोया हर दो सूरत में आप मुजरिम होंगे आप गुनेगार होंगे अगर ऐब उसके अंदर पाया जाता है तो गीबत का गुनाह आपके नामे अमाल में लिखा जाएगा और अगर वो ऐब उसके अंदर पाया नहीं जा रहा है आप अपनी जानिब से उसे आप बता रहे हैं और बयान कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपने बहुत तराशी की और इल्जाम लगाया दोनों सूरत में आप मुजरिम हुए नुकसान किसका हुआ आपका हुआ खसारा किसका हुआ आपका हुआ और ऐसा भी हो सकता है उस आदमी को 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 करने की से उसके को, उसे बताने के बजाय दूसरों को जाके बताया उसका गुनाह आपके खाते में आ जाए और आपके खाते वाली नेकी उसके खाते में चली जाए ऐसी तब्दीली का भी इम्कान है इसलिए मेरे भाइयों मेरे बुजुर्ग और दोस्तों अगर आईना हम और आप हैं दूसरों के लिए तो आईने की जो ये तीसरी खसूसियत है कि आईना सिर्फ आपको बताता है आपके भाई के अंदर आपको कोई ऐब नजर आया आप दूसरों को बताने के बजाय अपने उसे भाई से मुलाकात कीजिए तन्हाई में मुलाकात कीजिए भरी मजलिस में नहीं समाज और माशरे के दरमियान नहीं मस्जिद के अंदर नहीं महफिल और इज्तम के अंदर नहीं तन्हाई में आप उसे मिलिए और तन्हाई में मिलकर उसके ऐब के ताल्लुक से उसे बाखबर कीजिए और बताइए कि मेरे भाई आपके अंदर ये ऐब पाया जा रहा है तन्हाई में बताना खैर खाही की अमत है तन्हाई में बताना इस बात की दलील है कि आप उसकी खैर खाही चाहते हैं उसकी असलाह चाहते हैं समाज और माशरे में उसको बदनाम होने से बचाना चाहते हैं इसलिए तन्हाई में आपने जाकर के उसके ऐब को और उसे बताया है और समझाने की कोशिश की है आईने की चौथी खसूसियत यह है कि आयना सिर्फ ज़ाहिर को बताता है आईना सिर्फ जाहिर को बताता है सामने आपने आईना रखा आपके चमड़े के ऊपर जो कुछ है आईना वही बताएगा चमड़े के नीचे क्या है आपके दिल के अंदर क्या है जहनों दिमाग के अंदर क्या है आप क्या सोच रहे हो आपने दिल में क्या बातें रखी हैं दिल में नीयत आपकी कैसी है आईना उसको नहीं बताता सिर्फ जाहिर को बताता है जाहिर को बताता है हम भी अगर आईना है दूसरों के लिए तो हम सिर्फ जाहिर पर फैसला करें जाहिर पर हुक्म लगाए तक और दिल तक पहुंचने की कोशिश न करें दिल तक पहुंचने की कोशिश करना यह रब कायनात का काम है रब कायनात दिल तक पहुंचता है बातिन का इल अल्लाह को है जाहिर का इलम बहुत सारे लोगों को है और हो जाता है लेकिन बातिन का अंदरून खाना का इल्म दिल के तहखाने का इल्म, अल्लाह आलमीन के अलावा किसी को नहीं होता इसलिए अगर आप दूसरों के लिए आईना है तो सिर्फ ज़ाहिर को बताइए दिल पर आप हमला ना कीजिए दिल पर हमला मिसाल में आपको देता हूं आपने मुझे शराब खाने के दरवाजे के पास खड़ा हुआ देखा आपकी जिम्मेदारी क्या है या तो आप चुप रहें या कहीं बताना है तो सिर्फ ये कहें कि मौलाना को शराब खाने के दरवाजे पर मैंने देखा है किस लिए खड़े थे यह हमें पता नहीं है सिर्फ इतना बताइए लेकिन हमारी और आपकी हालत इसके बलाफ होती समाज में फौरन हम ये कहने लगते हैं कि देखो ये भी शराबी हो गया शराब खाने के दरवाजे पर है शराब पीता है तभी तो हम मौजूद हैं। हालांकि हो सकता है मैं इसलिए गया हूं कहीं मेरा बेटा तो उधर नहीं गया है हो सकता है इसलिए गया हूं कि वहां शराबी लोग पी के निकलेंगे या पीने के लिए अंदर दाखिल होंगे मैं रोक कर उनको समझाऊंगा और नसीहत करूंगा और मेरी नसीहत की बुनियाद पर हो सकता है और कुछ लोग तायब हो जाएं और रुजू कर लें और शराब पीने से रुक जाए अपने आप को रोक लें ऐसा भी तो हो सकता है हमारी नीयत और हमारे दिल के अंदर इरादा क्या है आपको पता नहीं है लेकिन समाज में आप बात बताते हुए मेरे बातिन पर फैसला करने लगते हैं कि मौलाना शराब पीता है तभी तो वहां दरवाजे पे जाकर के खड़ा था हमारा काम जाहिर पर फैसला करना जैसे आइनी का काम जाहिर पर फैसला करना है एक रिवायत में आपको बताता हूं से बुखारी की रिवायत है ओसाम हो हिब्बो रसूल जिनको कहा जाता है रसुल्लाम के महबूब और चहेते हिब्बुर रसूल इससे मशहूर है ओ सामा अल्लाह के नबी ओसामा रजल्लाप जैद से बड़ी मोहब्बत करते थे और जैद के बाद ओसामा से अल्लाह के नबीला बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे इसलिए हिब्ब रसूल कहा गया आपने बारहा सुना होगा फातिमा मखजूमिया जब वो चोरी के जुर्म में पकड़ करके लाई गई और ये हुआ कि हाथ कट जाएगा हाथ कट जाएगा तो कबीले की नाक कट जाएगी लोगों ने चाहा कि कबीले की नाक बची रहे इसलिए फातिमा का हाथ भी बच जाए कटने ना पाए भेजें किसको सिफारिश के लिए भेजें किसको ये कोशिश करने के लिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हाथ के काटने का फैसला न करें लोगों ने गौर करते करते हिब्ब रसूलुल्लाह को पाया हे रसूल अल्लाह को पाया कि अल्लाह के नबी ओसामा से मोहब्बत करते हैं इसलिए ओसामा अगर जाके कहें तो हो सकता है अल्लाह के नबी बात मान लें बहरहाल बता रहा यह रहा था ओसामा अल्लाह तआला हो से अल्लाह के नबी बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे ओसामा कहते हैं एक लड़ाई में मैं और मेरा एक अंसारी साथी दोनों लड़ाई के मैदान में एक साथ थे एक काफिर नजर आया हम दोनों ने उसका पीछा किया जब पीछा किया कुछ दूर भागने के बाद एक आड़ में खड़े होकर के कहा अशदअल्लाहम्म रसुल मैंने भी हथियार उठाया अंसारी साथी ने भी हथियार उठाया लेकिन जब उसने ये कलिमा पढ़ा फकफल अंसारी वो सारी साथी ने अपना हाथ रोक लिया अपना हथियार रोक लिया चलाया नहीं लेकिन मैंने हथियार चला दिया हत्ता कत्ल तो हो यहां तक कि मैंने उसे कत्ल कर दिया लड़ाई से वापस हुए नबी कायनात जनाब मोहम्मद को जब इसका इल्म हुआ अल्लाह के नबी वसल्लम ने बुलाया ओसामा रज को बुलाया कहा ओसामा काल ला उसामा क्या तुमने उस आदमी को लाला कहने के बाद भी कतल कर दिया लाला उसने कहा इसके बावजूद भी तुमने हथियार चलाया और कत्ल कर दिया उसामा ने कहा अल्लाह के नबी उसने डर के मारे अपनी जान की हिफाजत की खातिर ये कलिमा पढ़ा था यह कहना था वो सामा का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए और कहा अशकता कलबह अशकल अशकता कलबाह आए वो सामा क्या तुमने उस आदमी के दिल को चीर करके देखा था कि ये कलमा जो अदा कर रहा है से अदा कर रहा है या दिल से अदा कर रहा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओसामा क्या हाल होगा तुम्हारा अरब कायनात के दरबार में जब ये आदमी ला के साथ अरब कायनात के दरबार में आएगा रब कायनात से सवाल करेगा ओसामा तुम क्या जवाब दोगे क्या जवाब दोगे अल्लाह के नबी ने ताला को सामा ये नसीहत करनी चाहिए जाहिर पर तुम्हें फैसला करना चाहिए उसने जाहिर में ला पढ़ा था तुम्हें मुसलमान समझते हुए जैसे अंसारी ने अपना हाथ और हथियार रोक लिया था वैसे तुम्हें भी रोक लेना चाहिए अगर ये लेके आया रब्बे कायनात के दरबार में और मुकदमा दायर कर दिया क्या जवाब दोगे ज कहते हैं काश मेरे दिल में बात आई काश आज से पहले मैं मुसलमान ना हुआ होता तो अच्छा होता आज से पहले मैं मुसलमान ना हुआ होता बल्कि ये काम मेरे हाथों अंजाम पाने के बाद मैं इस्लाम हमें दाखिल हुआ होता तो अच्छा होता इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्स्लामो यह दे कि इस्लाम लाने से इस्लाम लाने के पहले वाले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और मिटा दिए जाते हैं अगर इस्लाम कबूल करने से पहले मैंने इसको कत्ल किया होता और बाद में इस्लाम कबूल कर लिया होता तो ये गुनाह भी मेरा रब के दरबार में मिटा दिया जाता यहां आपने देखा अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने जो डांट पिलाई और बार बार कहा अशक्त कलबह बुनियाद पर कि ताला जाहिर पर फैसला ना करने के बजाय पर फैसला करना चाहता दिल तक पहुंचने की कोशिश थी। की थी इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया शब था कल्बा क्या तुमने उसके दिल को चीर करके देखा था कि ये जुबान से कलमा पढ़ रहा है या दिल से ये कलमा पढ़ रहा है इसलिए मेरे भाईओ आईने का काम जो है आईना सिर्फ़ ज़ाहिर को बताता है हम अगर आईना है एक मोमिन के लिए हमें भी जाहिर ही को देख कर ज़ाहिर पर फैसला करना चाहिए और जाहिर ही के मुताबिक हमें सामने वाले को आगाह करना चाहिए नसीहत करनी चाहिए और खबरदार करना चाहिए आईने का पांचवा काम या आईने की पांचवी खसूसियत यह है कि आईना जहाँ ऐब को बताता है वहीं अच्छाई को भी बताता है जहां दाग को बताता है वहीं बेदाग वाली जगहों को भी बताता है आईना खूबसूरती और बदशक्ली दोनों को बताता है आईना अच्छाई और बुराई दोनों को बताता है अगर हम अपने भाई के लिए आईना हैं, अपने भाई के लिए शीशा हैं, दोषी तो से आईने की खसूसियत हमें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए जहाँ कहीं अपने भाई के किसी ऐब को बयान करें उसकी अच्छाई को भी बयान करनी चाहिए लेकिन हम उसकी अच्छाई बयान नहीं कर सकते इसलिए कि उसकी बुराई बयान करने का हमारा मकसद तो ये है समाज में वो रुसवा हो जाए लेकिन उसकी एक बुराई के साथ उसकी नौ अच्छाइयों को जो हम बयान करेंगे हमारे इस इरादे पर पानी फिर जाएगा हमारे इस इरादे पर पानी फिर जाएगा वो बजाय बुराई में मशहूर होने की अच्छाई में मरूफ मशहूर हो जाएगा इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये कहा अल-मोमिन मिरातुल मोमिन मोमिन एक मोमिन के लिए आईना है माना ही कि जैसे आईना देखने वाले की अच्छाई को जहां बताता है अच्छाई को भी बताता है हम अगर आईना है अपने मोमिन भाई के लिए तो हमें भी अपने मोमिन भाई के जहां बुराई को बयान करें वहीं हमें अच्छाई को भी बयान करना चाहिए लेकिन हम अंधे हो जाते हैं अच्छाई के ताल्लुक से और बुराई के ताल्लुक से हमारी निगाह यहां से नेपाल भी देख लेती है ऐसे है कि नहीं हम अच्छाई नहीं बयान कर सकते मुझे याद आता है एक मास्टर साहब ब्लैक बोर्ड पर गिनती लिख रहे थे एक दो अंग्रेजी में तीन चार पांच छ सात आठ नौ यो लिख दिया नौ बजाय इसके क्यों लिखे यों कर दिया जानबूझकर। स्टूडेंट जितने थे सब हंसने लगे मुखातब हुए मास्टर साहब कहा मेरे बच्चों हंस क्यों रहे हो कहा मास्टर साहब नौ वाली गिनती आपसे उल्टी लिख दी गई कहा एक से आठ तक का क्या हाल है कहा वो तो आपने बेहतरीन लिखा कहा एक से आठ तक जो मैंने अच्छा काम किया वो अच्छाई आपको नजर नहीं आई कि आप हमें शाबाशी देते लेकिन उस पर तो आप चुप रहे एक जुमला भी मेरे लिए खैर खाही का और मेरे लिए शाबाशी का एक जुमला भी आपने नहीं कहा लेकिन नौ में से एक गलती हुई आठ सही है एक गलत हुआ एक पर आप हंसने लगे हमारी भी वही हालत है एक पर हम हंसते हैं आठ अच्छाइयों की जानब हम तवज्जो नहीं देते इसीलिए तो हम आईना नहीं है अपने भाई के लिए हम आईना नहीं है अपने भाई के लिए बल्कि हम अपने भाई के लिए क्या हैं अगर बुरा ना लगे तो कह दूं अपने भाई के लिए हम मक्खी हैं अपने भाई के लिए हम क्या हैं मक्खी हैं पूरे बदन पर अगर आप इत्र छिड़क ले नहीं बल्कि इत्र में नहा लें आप नाखून पे थोड़ा सा गंदा लाके रख दें पूरे बदन में इत्र है नाखून पे थोड़ा सा गंदा है पूरे बदन के इत्र के मुकाबले में इस गंदगी की कोई हैसियत है कुछ नहीं हैसियत है लेकिन मक्खी कहां आके बैठेगी गंदगी पर गंदगी पर और कोई गंदगी पे कोई और जानवर कीड़ा मकोड़ा नहीं आके बैठेगा मक्खी आके बैठेगी हम मक्खी हो जाते हैं अपने भाई के लिए ऐसी सूरत में कि अपने भाई की निन्यानवे अच्छाइयां हमें नजर नहीं आती एक बुराई अगर उसके अंदर हो गई एक ऐब और एक खामी उसके अंदर आपको नजर आ गई तो वही सब कुछ हो जाता है उसी को लेकर आप गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले गली गली शहर शहर दौड़ते हैं कि आदमी ऐसा हो गया ऐसे है कि नहीं है इसलिए मेरे भाइयों नबी कायनात जनाब मोहम्मद ने हमें और आपको दूसरों के लिए आईना करार दिया है इसलिए आईने का जहां काम अच्छाई और बुराई दोनों बयान करना है हम अपने मोमिन भाई के लिए आईना बनके अगर उसकी बुराइयां बयान कर रहे हैं वैसे तो बयान नहीं करना चाहिए कहीं लेकिन अगर उसकी बुराइयां हम बयान कर रहे हैं तो बुराइयों के साथ हमें उसकी अच्छाइयां भी बयान करनी चाहिए तब हम अपने मोमिन भाई के लिए आईना बनेंगे आईने की एक और खसूसियत है आईना उतना ही बताता है जितना आपके अंदर है जितना गर्दो गुबार और जहां गर्दो गुबार और गंदगी है उतना ही और वहीं के बारे में बताता है न उससे कम बताता है न उसे ज्यादा बताता है जितना है उतना ही बताता है लेकिन अगर हम आईना हैं, तो क्या जितना ऐब हमारे अंदर है या आपके अंदर है हम उतना ही बयान करते हैं बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं इजाफा करके अपनी जानिब से और मिला करके बयान करते हैं गोया हम आईना अपने भाई के लिए नहीं है हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन को आईना करार दिया है अगर हम वाकई मानों में मोमिन हैं, तो हमें अपने भाई के लिए वाकई मानों में आईना बनना चाहिए और आईने की जो खसूसियात हैं उन खसूसियात को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए इसलिए हमारे भाई के अंदर जितना है हम उतने ही उससे बयान करें उससे आगे बढ़ने की जुरात और जसारत न करें एक और आईने की खसूसियत है आईना आईने को देखने वाले को बता के चुप हो जाता है आईने के अंदर आपने चेहरा देखा आईने ने आपको बताया कि आपके चेहरे पर फलां चीज है इसके बाद वो चुप हो जाता है आप ताक पे रख देते हैं जहां रख देते हैं वहीं पड़ा रहता है किसी को नहीं बताता हमें भी चाहिए कि हम अपने भाई के अंदर अगर कोई ऐप देखें सिर्फ अपने भाई को बताएं और बताने के बाद अपना मुंह बंद कर लें अपना मुंह बंद कर लें खामोशी अख्तियार करें उस अपने भाई से जिसके अंदर हमें ऐब नजर आया उसके अलावा हम किसी को उसका ऐब जा करके बयान न करें और यहां तो होता है जिसके अंदर ऐब है उसको पता नहीं होता और पूरे शहर में वो ऐब वाला मशहूर हो जाता है पूरा शहर जान जाता है पूरा मुआषा जान जाता है पूरी आबादी जान जाती है तब आखिर में उसके कान में ये बात पड़ती है कि लोगों की निगाहों में तुम्हारे अंदर यह ऐब पाया जा रहा है यही हमारा आज के मोमिनों का आज के मुसलमानों का आज के कलमा गो अफराद का यही तर्ज अमल है कि साहब ऐब को उसका ऐब न बता करके दूसरों के दरमियान उसे ऐब मशहूर कर देते हैं इसलिए गोया हम अपने भाई के लिए आईना नहीं है नबी कायना जनाब महम्मील्ला वसम की हदीस हमारे और के ऊपर वाकई मानों में फिट नहीं आती है सच्ची साबित नहीं हो रही है हम उसके खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और उसके खिलाफ हमारा तर्ज अमल है एक और बात बताऊं आईना की खसूसियत एक ये भी है कि आईना हसद नहीं करता आईना हसद नहीं करता यानी आपने अपने खूबसूरत चेहरे को आईने में देखा आईना ने आपको बता के खामोशी जहां इख्तियार की वहीं आप जैसा खूबसूरत बनने के लिए वो तर्ज अमल इख्तियार नहीं करता आपको बदसूरत बनाने के लिए वो कदम आगे नहीं बढ़ाता है वो कुछ नहीं करता है बल्कि आपकी खूबसूरती को आपको बता करके अपना चुपचाप हो जाता है हसद आपसे नहीं करता लेकिन मोमिन और एक मुसलमान की आदत क्या है उसका भी तर्ज अमल पहले यही होना चाहिए कि अगर दूसरे मोमिन के लिए वो आईना है शीशा है उसकी खूबसूरती को देखकर सिर्फ बताना चाहिए माशाल्लाह आप खूबसूरत हैं, माशाल्लाह आप मालदार हैं माशाल्लाह आपकी बिल्डिंग उमदा है माशाल्लाह आपका लड़का आप बड़ा कामयाब है ये है वो जो भी भलाइया खूबियां सन खूबसूरती नेमतें आप देखें माशाल्लाह कह करके उसको और हौसला दिलाएं जैसे आईना बताने के बाद चुप हो जाता है हौसला खाली बढ़ाता है उसमें जब देखा मैं खूबसूरत हूं आदमी खुश हो जाता है आदमी खुश हो जाता है आदमी अपनी आ, आद दौलत को उसाईने में देखता है खुश हो जाता है अल्लाह की नेमत को उसने में देखता है खुश हो जाता है हम दूसरे भाई के लिए जब आइना बने तो ऐसी सूरत में हमें उसे खुशी पहुंचानी चाहिए हमें उसे खुशी पहुंचानी चाहिए तकलीफ और परेशानी में मुब्तला करने वाला अंदाज और तर्ज अमल इख्तियार नहीं करना चाहिए लेकिन हम मोमिन के लिए आइना नहीं बनते उसकी खूबसूरती को देख कर जलते हैं उसके माल को देख कर जलते हैं उसके ऊपर अल्लाह की जानिब से होने वाली नमाजिशों और करम फरमाइयों को देख कर जलते हैं उसके बंगले को देख कर जलते हैं उसकी गाड़ी को देख करके हसद करते हैं उसके ये कर वो कर। उसके बेटों और खैशवाकारीब की कामयाबियों को देख कर हम जलते हैं गोया हम आइना नहीं है आइना हसद नहीं करता हम अगर वाकई मानों में आईना है अपने भाई के लिए तो हमें हसद नहीं करना चाहिए मेरे भाइयों ये चंद बातें थी और कई बातें हैं लेकिन टाइम ज्यादा हो रहा है मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह रबालमिन जैसे तेरे हबीब जनाब मोहम्मद सल्ला वम ने हर मोमिन को हर मोमिन के लिए आईना बताया है हर मोमिन को तो दूसरे मोमिन के लिए वाकई मानो में आईना बना दे अल्लाह हर मोमिन को वही खसूसियत दे दे जो खूसियत आईने की होती है जो तर्ज अमल आईने का होता है आईने को सामने रखने के बाद अल्लाह आलमीन हर मोमिन को वही तर्ज अमल वही मनहज वही तरीक़ा इख्तियार करने की तोफ़ी अता फरमा अल्लाह हम सब को तोफ़ी दे आईना जो काम करता है हम अपने भाई के लिए वही काम करने के लिए आगे कदम बढ़ाएं अल्लाह हमें मोमिन के लिए सही साफ़ व शफाफ और बेहतरीन आयीन बना दे अखुल्क वफ़रल वालकमसारसलमिनम फफ़र ग़फ़ुर वसल तबीना महमद वाल वसाब इजमैन बरहत क़याम वसलम वरम वबरक ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्ला